माननीय सदस्य प्लीज। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। कोई माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी प्लीज, अधिरंजन जी एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट अधिरंजन जी एक मिनट। मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए।